हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पॉलीप्लॉयडी के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था कि म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशंस के कितने टाइप्स होते हैं। तो म्यूटेशन जो है दो टाइप के होते हैं, जीन म्यूटेशन और क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो जीन म्यूटेशन क्या होता है, जीन के स्ट्रक्चर में अगर कोई चेंजेस आता है, मीन्स जीन में जो प्रेजेंट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं उसमें अगर कोई चेंजेस आता है तो उसको हम जीन म्यूटेशन कहते हैं। और क्रोमोसोमल म्यूटेशन मतलब होता है क्रोमोसोम्स के उसके स्ट्रक्चर में या तो उसके साइज में या उसके नंबर में अगर कोई चेंजेस आते हैं तो उसको हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं। तो हमने इससे पहले के वीडियो में क्रोमोसोम में स्ट्रक्चर और उसके साइज में किस तरीके से चेंजेस आता है, मीन्स स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल म्यूटेशन के टाइप्स के बारे में हमने आपको बताया था। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन कितने टाइप्स के होते हैं जिसमें उसके स्ट्रक्चर और साइज में चेंज आते हैं, वो है इन्वर्शन, डिलीशन, एडिशन एंड ट्रांसलोकेशन एंड डुप्लीकेशन। तो ये सब से जो क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर और उसके साइज में चेंजेस आते हैं। और अगर क्रोमोसोम्स के नंबर में अगर कोई चेंजेस आता है, नंबर में चेंजेस आता है मतलब कि सेल के अंदर जो नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और ये जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अगर इंक्रीज हो जाता है तो उसी को हम पॉलीप्लॉयडी कहते हैं। आइए हम डिटेल में जानते हैं कि पॉलीप्लॉयडी क्या होता है। ये पॉलीप्लॉयडी वर्ड को जब हम स्प्लिट करें तो दो वर्ड बनते हैं, पॉली प्लस प्लॉयड। पॉली मतलब होता है मैनी, मीन्स बहुत से, और प्लॉयडी मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ द सेट्स ऑफ द क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन अ सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मीन्स सेल के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उसी को हम प्लॉयडी कहते हैं। तो अगर हम इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग को अगर जोड़ते हैं, पॉली मीन्स मैनी या कह सकते हैं मल्टीपल, तो पॉलीप्लॉयडी मतलब क्या हो गया, मल्टीपल सेट्स ऑफ द क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन अ सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पॉलीप्लॉयडी। मीन्स ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर अगर मल्टीपल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स अगर प्रेजेंट होते हैं तो उस कंडीशन को हम पॉलीप्लॉयडी कहते हैं। तो हमने यहाँ पे पॉलीप्लॉयडी को डिफाइन किया है, इफ द सेल कंटेन मोर देन द टू पेयर्ड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स देन इट इज कॉल्ड पॉलीप्लॉयडी। मीन्स सेल के अंदर टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स से ज्यादा अगर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं तो उसी को हम पॉलीप्लॉयडी कहते हैं। टू पेयर्ड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स मतलब क्या होता है, नॉर्मली सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो क्रोमोसोम्स की दो कॉपी प्रेजेंट होती है। मीन्स सेल्स के अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं हर एक क्रोमोसोम्स की दो कॉपी होती है, मीन्स वो पेयर में उसकी ग्रुपिंग होती है, तो उसी को हम डिप्लॉयड सेल कहते हैं। और अगर सेल के अंदर मोर देन द टू सेट्स ऑफ द क्रोमोसोम्स अगर प्रेजेंट है, मीन्स उस मोर देन द टू मल्टीपल कॉपीज अगर प्रेजेंट है तो उसी को पॉलीप्लॉयडी कहा जाता है। तो हमने यहाँ पे लिखा है द न्यूक्लियस कंटेन मोर देन इट्स नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स, मीन्स पॉलीप्लॉयडी की कंडीशन में जो नॉर्मल जो कॉम्प्लीमेंट्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स के उससे ज्यादा अगर प्रेजेंट होता है तो उसी कंडीशन को पॉलीप्लॉयडी कहा जाता है। तो पॉलीप्लॉयडी अगर इन द मल्टीपल सीरीज मीन्स 3, 4, 5, 6 या 8, मीन्स अगर सेल के अंदर 3 मल्टीपल कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम्स हैं या 4 मल्टीपल कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हो सकते हैं या 5 मल्टीपल कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं 6, 7 एंड सो ऑन। तो हमने यहाँ पे पॉलीप्लॉयडी को समझाने के लिए डायग्राम बनाया हुआ है। अगर किसी सेल के न्यूक्लियस में अगर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम मतलब कि इस क्रोमोसोम्स के की कोई कॉपी प्रेजेंट नहीं होती है सेल में, तो इस सेल को हम हैप्लॉइड सेल कहते हैं, हैप्लॉइड सेल। और इसको डिनोट किया जाता है बाय द 1N, 1N मतलब कि सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल एंड इट इज कॉल्ड हैप्लॉइड सेल। और नेक्स्ट आते हैं, अगर किसी सेल में मीन्स अगर सेल में जो है टू पेयर सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं तो उस सेल को हम डिप्लॉयड सेल कहते हैं और इसको डिनोट किया जाता है 2N से। टू पेयर सेट ऑफ क्रोमोसोम्स मतलब क्या होता है, मीन्स हर एक क्रोमोसोम्स की दो कॉपी प्रेजेंट होती है और ये क्रोमोसोम्स की जो ग्रुपिंग होती है इन द पेयर, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं इस सेल के अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, 4। और ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये क्रोमोसोम्स की जो ग्रुपिंग हुई है इन द पेयर, मतलब कि हर एक क्रोमोसोम्स की दो मल्टीपल कॉपीज है, तो इसी को हम डिप्लॉयड कहते हैं। डाई मतलब कि दो, मीन्स टू नंबर ऑफ सेट्स ऑफ द क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन द सेल दैट इज कॉल्ड डिप्लॉयड। नॉर्मली सेल्स के अंदर डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और हर एक स्पीसीज के अंदर स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारे में टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, मीन्स टोटल 46 क्रोमोसोम्स। तो ये हो गया डिप्लॉयड सेल के बारे में।
इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, अगर किसी सेल के न्यूक्लियस में अगर थ्री सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, थ्री सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है मतलब हर एक क्रोमोसोम्स की थ्री कॉपीज अगर प्रेजेंट है, तो उसको हम, उस सेल को हम ट्राइप्लॉयड सेल कहते हैं और उसको डिनोट किया जाता है बाय दी 3N। और ये जो क्रोमोसोम्स हैं इसकी ग्रुपिंग जो है पेयर में नहीं होती है, ये ग्रुप होते हैं इन द थ्री। मीन्स आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे क्रोमोसोम जो है पेयर हुए हैं इन द थ्री, तो इसी कारण से इसको हम ट्राइप्लॉयड कहते हैं। और जैसा हमने आपको डेफिनेशन में बताया था कि अगर सेल्स के अंदर मोर देन द टू पेयर सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम पॉलीप्लॉयड कहते हैं। तो ट्राइप्लॉयड किसके अंदर आएगा? पॉलीप्लॉयड के अंदर। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, अगर किसी सेल के न्यूक्लियस के अंदर अगर फोर सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, फोर सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स मतलब हर एक क्रोमोसोम्स की फोर कॉपीज अगर प्रेजेंट है, तो उसी को हम टेट्राप्लॉयड कहते हैं और उसको डिनोट करते हैं हम 4N से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो क्रोमोसोम्स होती है इनकी जो ग्रुपिंग पेयर में नहीं होती है, इसकी ग्रुपिंग होती है इन द 4, तो इसी को हम टेट्राप्लॉयड सेल कहते हैं। तो ये ट्राइप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड, ये पॉलीप्लॉयडी कंडीशन है। मीन्स कि हमने डेफिनेशन में बताया था मोर देन द टू पेयर सेट ऑफ द क्रोमोसोम देन इट इज कॉल्ड पॉलीप्लॉयडी। तो अगर किसी सेल में अगर 5 सेट्स ऑफ द क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है तो उसको हम पेंटाप्लॉयड कहते हैं। अगर किसी सेल के न्यूक्लियस के अंदर 6 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है तो उसको हम हेक्साप्लॉयड कहते हैं। अगर किसी सेल के न्यूक्लियस के अंदर 8 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है तो उसको हम ऑक्टाप्लॉयड बोलते हैं, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमने लिखा है क्रोमोसोम्स ग्रुप नॉट इन पेयर बट इन द फॉर्म ऑफ 3, 4 और हायर, तो इसी को पॉलीप्लॉयडी कंडीशन कहा जाता है। और हमने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है मोर देन द टू जीनोम। मीन्स पॉलीप्लॉयडी को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि पॉलीप्लॉयडी इज द कंडीशन इन विच द सेल कंटेन मोर देन द टू जीनोम। जीनोम क्या होता है? जीनोम मतलब होता है टोटल सेट्स ऑफ द जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, तो उसी को हम जीनोम कहते हैं। और ये जो जेनेटिक मटेरियल मीन्स डीएनए जो क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होता है इसकी दो कॉपी प्रेजेंट होती है इन द सेल। और अगर दो कॉपी से अगर इसमें ज्यादा प्रेजेंट होता है मीन्स मोर देन द टू जीनोम प्रेजेंट होता है तो उसी कंडीशन को हम पॉलीप्लॉयडी कहते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट जानते हैं कॉसेस ऑफ पॉलीप्लॉयडी। मीन्स पॉलीप्लॉयडी का कारण क्या होता है, किस तरीके से पॉलीप्लॉयडी हो जाता है सेल में, तो उसको जानने से पहले सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी होता है कि माइटोसिस क्या होता है और मियोसिस क्या होता है, जो कि सेल डिवीजन के टाइप्स हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है सबसे पहले आप माइटोसिस और मियोसिस के बारे में स्टडी कर लीजिए ताकि आप ये जो कॉसेस होते हैं पॉलीप्लॉयडी उसके बारे में इजिली समझ पाए। तो सबसे जो मेजर कॉज होता है पॉलीप्लॉयडी का वो है नॉन डिसजंक्शन ऑफ द सिस्टर क्रोमेटिड ड्यूरिंग द मियोसिस एंड विच कॉसेस अनरिड्यूस्ड गैमेट। मियोसिस क्या होता है? मियोसिस में जो पेरेंट सेल होता है ये डिवाइड होता है इनटू द 4 डॉटर सेल और हर एक जो डॉटर सेल होते हैं उसमें रिड्यूस्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, मींस हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द पेरेंट सेल। और अगर पेरेंट सेल डिप्लॉयड है तो जितने भी डॉटर सेल हैं वो हैप्लॉयड होते हैं, मींस उसमें सिंगल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मियोसिस सेल डिवीजन में अगर कोई एरर आ जाता है तो पॉलीप्लॉयडी कंडीशन अराइज होती है। कैसे? अगर नॉन डिसजंक्शन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड, मतलब सिस्टर क्रोमेटिड का अगर नॉन डिसजंक्शन होता है, नॉन डिसजंक्शन मतलब कि जो सिस्टर क्रोमेटिड जो क्रोमोसोम्स होते हैं एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन वो डुप्लीकेट होते हैं, और डिसजंक्शन होता है मीन्स मियोसिस के टाइम में ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये सेपरेट होते हैं। और अगर इस सिस्टर क्रोमेटिड्स का अगर डिसजंक्शन नहीं हो पाता है मीन्स नॉन डिसजंक्शन में सेपरेट नहीं हो पाते हैं तो उसी सेल के अंदर जो है जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो रिड्यूस नहीं हो पाते हैं और जो गैमेट फॉर्मेशन होगा वो अनरिड्यूस्ड गैमेट होगा। और ये जो अनरिड्यूस्ड गैमेट जो है अगर इसका फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन में जो जाइगोट बनेगा उसमें भी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होंगे इंक्रीज होंगे। तो इस तरीके से पॉलीप्लॉयडी की कंडीशन अराइज होती है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं माइटोसिस। माइटोसिस में माइटोटिक सेल डिवीजन में अगर कोई एरर आ जाता है या एबनॉर्मेलिटीज आती है तो भी पॉलीप्लॉयडी कंडीशन डेवलप होता है। माइटोसिस में क्या होता है? माइटोसिस में सेल जो है डिवाइड होता है इनटू द टू डॉटर सेल और माइटोसिस में जो सेल होते हैं एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन क्या होता है जो डीएनए है जो क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होता है वो रिप्लीकेट होता है और ताकि जो सेल जो है टू डॉटर सेल में डिवाइड हो तो वो डॉटर सेल्स में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं एज द पेरेंट सेल। तो अगर इसमें एबनॉर्मेलिटीज आती है मीन्स सेल डिवीजन में एबनॉर्मेलिटीज आती है मीन्स रिप्लिकेशन ऑफ द डीएनए तो होता है मीन्स डीएनए की कॉपी तो होती है बट सेल डिवीजन नहीं होता है। तो सेल डिवीजन ना होने की वजह से जो उसमें
डीएनए की मल्टीपल कॉपीज उसी सेल में प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से वो सेल पॉलीप्लॉयड हो जाता है और पॉलीप्लॉयडी की कंडीशन अराइज होती है। तो ये हो गया कॉसेस ऑफ पॉलीप्लॉयडी। मीन्स सेल डिवीजन के टाइम पे अगर कोई एरर होता है, मीन्स माइटोसिस और मियोसिस में अगर कोई एरर होता है तो उससे पॉलीप्लॉयडी कंडीशन डेवलप होती है और ये कहलाता है स्पॉन्टेनियस पॉलीप्लॉयडी। स्पॉन्टेनियस पॉलीप्लॉयडी क्या होता है? जब पॉलीप्लॉयडी की कंडीशन नेचुरली अकर होती है विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, तो उसी को हम स्पॉन्टेनियस पॉलीप्लॉयडी कहते हैं। ये जो पॉलीप्लॉयडी होता है ये मोस्ट कॉमन होता है इन द प्लांट्स। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम इंड्यूस्ड पॉलीप्लॉयडी क्या होता है। तो इंड्यूस्ड पॉलीप्लॉयडी में जो पॉलीप्लॉयडी है वो एक्सटर्नल एजेंट जो होते हैं वो एक्सटर्नल एजेंट जो है पॉलीप्लॉयडी इंड्यूस करते हैं इन द सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, तो उसी को हम इंड्यूस्ड पॉलीप्लॉयडी कहते हैं। तो डिफरेंट एजेंट्स होते हैं जो पॉलीप्लॉयडी को इंड्यूस करते हैं, तो वो है फिजिकल एजेंट्स या तो केमिकल एजेंट्स। तो फिजिकल एजेंट्स में आते हैं एक्सरे, सेंट्रीफ्यूगेशन या टेम्परेचर, तो ये एजेंट जो है पॉलीप्लॉयडी को इंड्यूस करते हैं। दूसरा है केमिकल एजेंट्स। केमिकल एजेंट्स मीन्स केमिकल जो पॉलीप्लॉयडी को इंड्यूस करते हैं, तो उसका एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है कॉल्चिसिन, वेराट्रीन, सल्फानिलामाइड, हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। तो ये एग्जांपल है केमिकल एजेंट्स विच इंड्यूस पॉलीप्लॉयडी इन द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो इसका जो सबसे मोस्ट कॉमन जो एग्जांपल है वो है कॉल्चिसिन। मीन्स कॉल्चिसिन को मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है टू इंड्यूस पॉलीप्लॉयडी इन द प्लांट्स। और ये जो कॉल्चिसिन है ये कॉल्चिसिन मोस्ट कॉमन केमिकल एजेंट होता है जिसको यूज किया जाता है प्लांट्स में पॉलीप्लॉयडी को इंड्यूस करने के लिए। और ये कॉल्चिसिन हम ऑप्टेन करते हैं, ये अल्कलॉइड होता है जिसको ऑप्टेन किया जाता है फ्रॉम द प्लांट जिसका नाम है कॉल्चिकम ऑटमनेल या कॉल्चिकम ल्यूटियन से इसको ऑप्टेन किया जाता है। तो ये हो गए केमिकल एजेंट्स दैट इंड्यूस पॉलीप्लॉयडी। इसके बाद हम आपको ये बताते हैं कि ये जो कॉल्चिसिन होता है ये कॉल्चिसिन किस तरीके से प्लांट सेल के अंदर पॉलीप्लॉयडी को इंड्यूस करता है। तो ये कॉल्चिसिन करता क्या है? ये कॉल्चिसिन इंटरफेयर विद द स्पिंडल फॉर्मेशन, मींस स्पिंडल फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है, इंटरफेयर करता है। किस तरीके से करता है? ये जो कॉल्चिसिन है ये कॉल्चिसिन स्पिंडल प्रोटीन के साथ जाके बाइंड हो जाता है और ये स्पिंडल प्रोटीन जो कि ग्लोबुलर प्रोटीन है इस स्पिंडल प्रोटीन को फाइब्रस प्रोटीन में कन्वर्ट होने से इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन ना होने की पाने की वजह से जो डिवाइडिंग जो डिप्लॉयड सेल है उसके अंदर जो है जो डुप्लीकेटेड जो क्रोमोसोम्स मीन्स ऑलरेडी जो एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन जो क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट होते हैं वो सेग्रीगेट नहीं हो पाते हैं ड्यू टू द इंटरफेरेंस इन द स्पिंडल फॉर्मेशन, और जिसकी वजह से जो डिप्लॉयड सेल है वो टेट्राप्लॉयड में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसको समझाने के लिए हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है। मान लो कि ये पेरेंट सेल है और ये पेरेंट सेल डिप्लॉयड सेल है, इसका मतलब इस सेल के अंदर दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। तो हमने यहाँ पे लिखा है 2n = 4, 2n मीन्स डिप्लॉयड एंड टोटल 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन द सेल। और माइटोसिस के टाइम पे मीन्स ये पेरेंट सेल माइटोसिस जब होता है इसका, तो बिफोर द सेल डिवीजन ये जो हर एक जो क्रोमोसोम्स हैं ये डुप्लीकेट होता है, मीन्स क्रोमोसोम्स के अंदर जो डीएनए होता है वो रिप्लीकेट होता है, मीन्स डीएनए की कॉपी होती है बिफोर द सेल डिवीजन। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर एक क्रोमोसोम्स यहाँ पे डुप्लीकेट हो गया है और सिस्टर क्रोमेटिड का फॉर्मेशन हुआ है, और ये जो सिस्टर क्रोमेटिड है ये कॉमन सेंट्रोमियर से अटैच होता है। तो यहाँ पे डीएनए का रिप्लीकेशन होता है, मीन्स क्रोमोसोम्स का डुप्लीकेशन होता है बिफोर द सेल डिवीजन। और उसके बाद नेक्स्ट फेज आते हैं माइटोसिस का, वो है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, जितने भी डुप्लीकेटेड जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेंटर में मीन्स मिडल ऑफ द सेल वो अरेंज हो जाते हैं, और उसके बाद स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन के बाद ये स्पिंडल क्या करते हैं, ये जो सिस्टर क्रोमेटिड है मीन्स जो डुप्लीकेटेड जो क्रोमोसोम्स हैं उसको सेपरेट करते हैं टू द अपोजिट पोल, और उसके बाद टेलोफेज में सेल जो है डिवाइड होता है और जो डॉटर सेल जो बनते हैं उस डॉटर सेल में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं एज द पेरेंट सेल। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो डॉटर सेल जो बने हैं इसमें 2n = 4 मीन्स टोटल 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है हर एक डॉटर सेल में, जैसे कि पेरेंट सेल में प्रेजेंट। तो ये हो गया नॉर्मल माइटोटिक सेल डिवीजन के बारे में। मीन्स नॉर्मल माइटोसिस में क्या होता है, जो पेरेंट सेल होता है ये पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड होता है और हर एक डॉटर सेल में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं एज दैट ऑफ द पेरेंट सेल। और अगर इस प्लांट्स में या सेल्स में अगर कॉल्चिसिन का अगर ट्रीटमेंट कर देते हैं तो माइटोसिस के टाइम पे जो स्पिंडल फॉर्मेशन होता है वो स्पिंडल फॉर्मेशन ये जो कॉल्चिसिन है उसके फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देता है, मीन्स स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है।
जिसकी वजह से क्या होता है, जो डुप्लीकेटेड जो क्रोमोसोम्स हैं, ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन वो सेपरेट नहीं हो पाते हैं, सेग्रीगेट नहीं हो पाते हैं, और सेग्रीगेट ना होने की वजह से, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन ना होने की वजह से क्या होता है, ये सेल डिवाइड नहीं होता है, और जो डुप्लीकेटेड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो सिंगल सेल के अंदर ही रह जाते हैं, जिससे सेल कन्वर्ट हो जाता है इनटू द टेट्राप्लॉइड सेल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो नॉर्मल सेल था, मीन जो पेरेंट सेल था, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, 4, और यहाँ पे सेल डिवीजन ना होने की वजह से क्या हो गया, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो गए, 8, और ये जो हरे क्रोमोसोम्स हैं इसकी जो मल्टीपल कॉपीज कितनी ही, 4। तो ये जो कन्वर्ट हो गया, मीन्स कोल्चिसिन के ट्रीटमेंट से ये जो सेल है, मीन्स डिप्लॉइड सेल, टेट्राप्लॉइड में कन्वर्ट हो गया, मीन्स पॉलीप्लॉइडी सेल्स में कन्वर्ट हो गया। तो इसी तरीके से कोल्चिसिन ट्रीटमेंट से हम डिप्लॉइड सेल जो है टेट्राप्लॉइड में, पॉलीप्लॉइड सेल में कन्वर्ट होता है। तो ये हमने आपको बताया आज के वीडियो में कि पॉलीप्लॉइडी क्या होता है, क्या क्या कारण होते हैं पॉलीप्लॉइडी के, और कोल्चिसिन ट्रीटमेंट से मीन्स क्या क्या ऐसे केमिकल्स होते हैं, फिजिकल एजेंट्स, केमिकल एजेंट्स, जिससे पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस किया जाता है, और कोल्चिसिन ट्रीटमेंट से किस तरीके से डिप्लॉइड सेल टेट्राप्लॉइड मीन्स पॉलीप्लॉइडी सेल में कन्वर्ट होता है। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ पॉलीप्लॉइडी एंड द रोल और इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलीप्लॉइडी इन द मेडिसिनल प्लांट्स। थैंक यू।